My dear student, today we will discuss about phylum मोलास्का, right? तो सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि मोलास्का का मीनिंग क्या है. तो बच्चों ये एक यहाँ पर मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ MOLLUSCS. इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे रहता है? मोलास्क. एंड दिस वर्ड इज डिराइव फ्रॉम ए लैटिन वर्ड एंड मीनिंग ऑफ मोलास्क इज सॉफ्ट. दैट्स मीन मोलास्कन आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल. दे कॉन्टेन सॉफ्ट बॉडी, राइट. एंड मैंने फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में एक बात बताया था बच्चों, आपको याद होगा कि फाइलम आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम, ठीक. पर ये जो फाइलम मोलास्का है इट इज सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम. एंड दिस फाइलम कॉन्टेन नियर अबाउट 60,000 स्पीशीज, ये याद रखना, ठीक. अब देखिए इसके हैबिटेट के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते. दे आर मोस्टली क्या होता है? मोस्टली मेराइन. मतलब इसका ज़्यादातर स्पीशीज कहाँ पर मिलेगा आपको? समुंदर में. बट सम आर फ्रेश वाटर एंड सम ऑफ देम आर ऑल्सो फाउंड इन डैम्प सॉइल, राइट. तो ये बात आप ध्यान से याद रखना कि इसका जो मैक्सिमम स्पीशीज ये कहाँ पर मिलने वाले हैं? समुद्र में, सी में, राइट. आप देखिए अब ये जो मोलास्कन है बच्चों इसका बॉडी में शेल होता है, सॉरी बच्चों इसका बॉडी में क्या होता है? एक हार्ड शेल होता है, ठीक. और ये जो शेल है, हार्ड शेल, ये सेक्रेट कौन करता है? इट इज सेक्रेटेड बाई मेंटल. बॉडी शेल इज सेक्रेटेड बाई बॉडी शेल इज सेक्रेटेड बाई मेंटल. कौन बताओ बच्चों? MANTLE, मेंटल. मेंटल बोल के एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है मोलास्कन में जो क्या करता है, किसको सेक्रेट करता है? बॉडी शेल को, ठीक. अब देखिए यहाँ पर एक और बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मोलास्कन जो है इसका जो शेल है ये एक्सटर्नल शेल भी हो सकता है. दिस शेल मे बी एक्सटर्नल एंड मे बी इंटरनल, ठीक. ये बात ध्यान से याद रखें कि बॉडी का जो शेल है ये या तो एक्सटर्नल रहेगा या तो क्या रहेगा? इंटरनल रहेगा. पर मोस्टली क्या रहता है? मोस्टली बॉडी का जो शेल है वो रहता है एक्सटर्नल. अब देखिए इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, राइट. मानिए कि ये एक मोलास्कन है, ठीक. मोलास्कन है, ठीक. और आप देख पा रहे हैं इसका बॉडी का ये जो बाहर का हिस्सा, हार्ड कवरिंग, ये क्या है? इसका शेल. एंड दिस शेल इज सेक्रेटेड बाय मेंटल. इसके नीचे ही, ये शेल के नीचे ही एक पतला सा मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक. हाँ, हर मोलास्कन में होता है. और ये जो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर इसको हम बोल देंगे क्या? बताइए सॉरी बच्चों, इसको बोलेंगे मेंटल. एंड मेंटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ दिस शेल. एंड दिस शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, दैट्स वाई इट इज हार्ड, ठीक. पर ये जो शेल आपको दिख रहा है ये तो एक्सटर्नल शेल है, बाहर से दिख रहा है, ठीक. तो ये एक्सटर्नल शेल वाला. पर कुछ ऐसा एनिमल भी होता है जिसका शेल जो है बाहर, मतलब अंदर होता है, एनिमल बॉडी के अंदर होता है. अब हम देख लेते हैं कौन सा एनिमल का शेल जो है वो एक्सटर्नल शेल है. जैसे कि ये एक हो गया, कौन सा, इसका नाम है पाइला, ठीक. उसके बाद और एक बताएंगे यहाँ पर जिसका नाम हेलिक्स, जिसको बोला जाता है पॉन्ड स्नेल. हेलिक्स को
क्या सॉरी हेलिक्स को पॉन्ड स्नेल नहीं बोला जाता, हेलिक्स को एक्चुअली बोला जाता है गार्डन स्नेल, गार्डन स्नेल राइट, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। दूसरा और भी एनिमल होता है जिसका शेल बाहर होता है, जैसे कि होता है आपका सी मसल, कौन होता है बच्चों, सी मसल, ये जो है इसका शेल सारा क्या रहेगा, एक्सटर्नल रहेगा। पर अभी हम देखेंगे कुछ इंटरनल शेल वाला एनिमल का एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा उसका कैरेक्टर भी मैं बताना चाहूँगा आपके पास, ठीक। देखिए कुछ एनिमल जो है जिसका शेल इंटरनल रहेगा, उसका एग्जाम्पल कौन हो गया, स्लैग। स्लैग के अलावा और भी एनिमल है जिसका नाम मैं बताना चाहूंगा यहां पर, कैटल फिश, ठीक। यहां पर कंफ्यूज मत करना बच्चों, ये फिश लिखा हुआ है पर ये फिश नहीं है, ये क्या है, एक्चुअली इट इज मोलस्कन, ठीक। उसके बाद और भी बताना चाहेंगे यहां पर, ठीक, जिसका नाम है स्क्विड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, SQUID, स्क्विड, इसके बारे में दो चार पॉइंट बताना चाहेंगे। और एक एनिमल यहाँ पर ऑब्वियसली बताना चाहेंगे जिसका नाम है ऑक्टोपास, ऑक्टोपास राइट। अब देखिए बच्चों, इस इन लोगों को कुछ स्पेशल फीचर होता है जो मैं आपके पास आपके साथ क्या करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा राइट। बच्चों एक और इन्फॉर्मेशन, ये जो स्क्विड है, स्क्विड को हम कॉमनली बोलेंगे लोलीगो, लोलीगो ठीक, याद रखना। और ऑक्टोपस जो है इसको हम कॉमनली क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डेविल फिश, डेविल फिश, डेविल मतलब शैतान, ठीक, ये याद रखना। अब हम इसके साथ साथ कुछ और कैरेक्टर हम देखने वाले हैं, जो स्क्विड है इसका और ऑक्टोपस है इसका, ठीक। तो यहाँ पर मैं आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्विड, ठीक। सबसे पहले हम मैं आपको स्क्विड दिखाना चाहूँगा राइट। देखिए तो यहाँ पर इसको देखिए बनाते कैसे में, ये भी देखिए राइट, ये हो गया राइट, इस तरह का कुछ शेप होता है स्क्विड का राइट। और इसका जो ये पोर्शन में इसका माउथ रहता है ठीक, और ये रीजन से क्या होता है, एट इस तरह का क्या निकलता है बताइए, प्रोजेक्शन निकलता है जिसको हम बोलेंगे कि ओरल आर्म, कितना निकलता है ये ओरल आर्म, ओरल आर्म, ओरल आर्म नंबर में कितना रह गया, एट, 1 2 3 4 5 6 7, और एक बना देते 8, इस तरह का कितना रहेगा, 8 ओरल आर्म रहेगा। और इसमें क्या रहेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल आईज पाया जाएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल आईज पाया जाएगा, जो क्या होता है इसका आई का एक खास कैरेक्टर है, इट इज दिस क्विड और लोलीगो कॉन्टेन लार्जेस्ट आई, लार्जेस्ट आई इन एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रखना कि एनिमल किंगडम में जितना भी एनिमल मिलता है उससे सबसे ज्यादा सबसे बड़ा आई किस में दिखता है आपको, दिखता है आपको स्क्विड में या तो लोलीगो में राइट, ये याद रखना आप। दूसरा ये इसका माउथ है और इसमें कितना कैरेक्टरिस्टिक्स ओरल आर्म रहता है, 8 आर्म रहता है ठीक। और इसके साथ साथ और भी एक चीज रहता है जिसको बोलेंगे है, क्या बोलेंगे इसको, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर रहता है ठीक, जिसको इसी तरह दिखाया जाता है राइट, इस तरह दिखाया जाता है। और इसके ऊपर क्या मिलता है, सकर, इसके ऊपर क्या मिलता है, सकर मिलता है इस तरह का, तो इसको बोलेंगे टेंटाकेल, टेंटाकेल, टेंटाकेल ठीक। और ये जो गोल गोल दिख रहा है बॉल शेप पे, इसको बोलेंगे सकर,
इसको बोलेंगे सकर, राइट। तो ये हो गया क्या आपका स्क्विड या तो लोलीगो। और दूसरा और एक इंफॉर्मेशन आपका इसके बारे में, लोलीगो के बारे में, ये क्या होता है, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, लार्जेस्ट लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, ये बात याद रखना। और दूसरा ये जो ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस को क्या बोला गया, इसको बोला गया डेविल फिश, ठीक। तो ये हो गया थोड़ा सा जस्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें कुछ पॉइंट आपको बार बार फोकस करा कि ये इम्पोर्टेंट है, उसमें फोकस रखना। बच्चों यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात का आपको जानकारी लेना जरूरी है, ये जो मैंने ड्रॉ किया ये स्नेल है, ठीक है, पहला। तो यहाँ पर देखिए इसका एक्सटर्नल शेल जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बन गया, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का शेल ये सेक्रेट कौन करा, मेंटल। मेंटल के नीचे देखिए ये एक कार्ब शेपेड पोर्शन है, ठीक है, इसको बोलेंगे ये जो पोर्शन है कार्ब, मतलब ऊंचा इस तरह का पोर्शन, इस तरह का पोर्शन, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे विसेरल हम्प। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, विसेरल हम, ठीक, ये बात याद रखना, ये जो कार्ब ऊंचा पोर्शन इसको बोलेंगे विसेरल हम। और देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट है बाहर निकला हुआ, ठीक है, फ्लेशी पार्ट, ये जगह पे ये जो स्नेल है इसका हेड रहेगा, ये उसका हेड है, ये हो गया इसका हेड। और यहाँ से आप जानते क्या होता है, आई निकलता है, आई, ये क्या हो गया इसका आई, ई वाई ई आई, राइट। और इसके नीचे नीचे का पोर्शन जो हमको दिख नहीं रहा है वहाँ पर क्या रहता है, उसका माउथ, और माउथ के साइड से एक स्पेशलाइज ऑर्गन रहता है जिसको बोलते रेडुला। क्या बोलते बच्चों इसको, क्या बोलते, मैं यहाँ पर देखा था इसको, इसको बोलते रेडुला, ठीक है। ये रेडुला का एक बड़ा फंक्शन है, ये क्या करता है, फूड इंटेक के लिए क्या आता है, काम आता है, ठीक है, फूड इंटेक के लिए, तो इसको बोलेंगे रेडुला। क्या बोलेंगे बच्चों एक बार बताइए, रेडुला, ठीक। तो ये फूड को क्या करते हैं, ये घस घस के चाट चाट के जमीन को चाट चाट के जाते, तो और जो भी फूड मिलता है ये रेडुला के थ्रू, ये माउथ के थ्रू ये अंदर ले लेता है, ठीक। और ये जो फ्लेशी पार्ट दिख रहा है इसको बोलेंगे मस्कुलर फूड। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, मस्कुलर फूड। तो ये सारा बातें थोड़ा बहुत क्या करना आप याद रखना, ऑब्वियसली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये इम्पोर्टेंट है। बच्चों देखिए अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये जो शेल है मोलस्का का शेल, एंड दिस शेल इज सेक्रेटेड बाई मेंटल। तो मेंटल के बारे में आपको और एक पॉइंट जानना चाहिए, मेंटल, एक्चुअली मेंटल इज थीन फ्लेशी फोल्ड। क्या होता है बच्चों, थीन फ्लेशी फोल्ड, राइट, ऑफ डोर्सल बॉडी वॉल, ऑफ डोर्सल बॉडी वॉल, बॉडी वॉल व्हिच कवर द बॉडी, व्हिच कवर द बॉडी, राइट। और मेंटल के नीचे जो कैविटी होता है उसको हम बोलेंगे मेंटल कैविटी। क्या बोलेंगे बच्चों, मेंटल कैविटी, राइट, ये बात याद रखना आप। अब देखिए दूसरा बात, जो मोलस्कन है इसका बॉडी कैसा रहता है, मोलस्कन का जो बॉडी है, इट इज बॉडी ऑफ मोलस्कन इज अनसेगमेंटेड, बॉडी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना बच्चों, बॉडी ऑफ मोलस्कन, बॉडी ऑफ मोलस्कन या मोलस्का इज अनसेगमेंटेड, इज अन सेगमेंटेड, मतलब क्या है, इसका बॉडी में कोई सेगमेंट होता ही नहीं, ठीक है, एक्सेप्ट, सिर्फ एक्सेप्शन एक एनिमल में मिलता है। और आप जानते हैं एक्सेप्शन जो है ये बड़ा है इंपॉर्टेंट रहता है, कि सारा जो मोलस्कन है उसका बॉडी कैसा होगा, अनसेगमेंटेड, पर एक एनिमल उसमें ऐसा होगा जिसका बॉडी क्या रहता है, सेगमेंटेड रहेगा, ठीक। और उसका एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है ये याद रखता, ये क्या है, नियोपिलिना, नियो प्लीना, ठीक, ये याद रखना बच्चों कि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो है, ये क्या है, ओनली
ओनली सेगमेंटेड मोलस्का, ओनली सेगमेंटेड मोलस्का। और ये जो नियोप्लिना है इसके बारे में और एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है आपसे, नीट में पूछा गया कि ये क्या है बताइए। इसको बोला जाता है लिविंग फॉसिल, लिविंग LIVING लिविंग फॉसिल। इसका मतलब क्या है, ये आज तक जीवित है पर इवोल्यूशनरी पीरियड में जब इसका पैदा हुआ था तब से आज तक इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक, लिविंग फॉसिल, या तो इसको कनेक्टिंग लिंक भी बोला जाता है क्योंकि इसका बॉडी क्या है, सेगमेंटेड है। तो ये बात आप बड़ा शांति से और बड़ा ध्यान से याद रखना। अब देखिए दूसरा बात क्या है, इसका जो बॉडी है मोलस्कन का बॉडी जो है, बॉडी जो है इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री डिस्टिंक्ट पार्ट। बॉडी ऑफ मोलस्कन इज डिवाइडेड इंटू थ्री डिस्टिंक्ट पार्ट। ऑलरेडी मैं एक बार आपको मेंशन करा, फिर भी और एक बार बता देते हैं। एक तो हो गया हेड, दूसरा हो गया इसका मस्कुलर फुट और तीसरा जो है उसके बारे में भी बता दिया आपको कि विसरल हम्प। अब यहाँ पर एग्जांपल के साथ हम देख लेते हैं, ये क्या है बच्चों, ये पाइला है, मैंने पिछले बार भी ड्रॉ करके दिया था, ये पाइला है। और यहाँ पर पाइला का जो सामने का पोर्शन, ठीक, यहाँ पर इसका क्या रहेगा, हेड रहेगा। तो ये पोर्शन जाएगा किसमें, हेड है। और आप जानते हैं ये भी कि हेड से क्या रहता है, इसका आई रहता है, EYEI, राइट। दूसरा ये जो ये फर्स्ट पार्ट गया, ये हेड चला गया नंबर वन। दूसरा बॉडी पार्ट क्या है, ये जो इसके नीचे ही क्या रहेगा बच्चों बताइए, मेंटल, ठीक, और मेंटल के नीचे मेंटल कैविटी। तो देखिए मेंटल के ऊपर ये क्या रहेगा, शेल, एक्सटर्नल शेल, शेल बताने का जरूरत नहीं, फिर भी एक बार बता दे रहा है, ठीक। और शेल के नीचे ये जो हम, ये जो ऊंचा पोर्शन है कर, इसको हम क्या क्या नाम से जाना था, विसरल हम, क्या बोला था बच्चों, इसको बोला था विसरल हम, ठीक। और ये जिससे चलता है, ठीक, ये जो पोर्शन यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसको बोलेंगे मस्कुलर फुट, क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे मस्कुलर फुट। और ये भी बताया था यहाँ पर एक चीज और, कि ये जगह पे ये नीचे का पोर्शन में माउथ रहता है, और माउथ में फूड जाने के लिए उसको कुछ ऑर्गेन होना चाहिए, जिसको क्या बोला था, रेडुला। रेडुला से चाट के या चाट के वो क्या करता है, फूड को अंदर ले लेता है। ये बात आप बड़ा फुर्ती से याद रखना क्योंकि काफ़ी बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा बात यहाँ पर देखिए, जनरली दे शो बाईलेटरल सिमेट्री। ये जो फाइला मोलस्का है ये कौन सा सिमेट्री शो करता है, बाईलेटरल सिमेट्री को ये शो करता है, ठीक। काफ़ी बार मैंने सिमेट्री के बारे में हर फाइलम में आपको समझा के दिया कि सिमेट्री क्या है, ठीक, अभी बात नहीं करना चाहेंगे। दूसरा बात, यहाँ पर कुछ एनिमल ऐसा होता है, ठीक है, जिसका बॉडी में टॉर्शन दिखता है, जैसे कि ये पाइला हो गया, इसका बॉडी में टॉर्शन दिखता है, एंगल दिखता है, जिसके वजह से इसका सिमेट्री क्या होता है, बाईलेटरल सिमेट्री नहीं होता है, तो वो क्या होता है, एसिमेट्रिक बन जाता है, एसिमेट्रिक। कैसा बन जाता है बच्चों, ये बन जाता है लिटरली एसिमेट्रिक। अब देखिए इसको आप सोच रहे हैं कि सर इसको हम इस तरह से कट करेंगे तो ये बाइलेटरल सिमेट्री दिख रहा है, पर ऐसा है नहीं बच्चों। देखिए मैं इसका जो उल्टा, अगर इसको पलटाया तो उस डायग्राम मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके देता हूँ, तो आपको ये बात बराबर समझ में आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ ही जाएगा, राइट। देखिए ये मैंने कैसे ड्रॉ कर, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए आप, राइट। मानिए कि ये है और ये इसका नीचे का पोर्शन, जस्ट याद रखिए। देखिए यहाँ पर इसका कुछ डिवीजन भी बता देता हूँ इस तरह से, राइट, ये रहता है ऐसा ऐसा स्नेल का, जस्ट इस तरह का क्या रहता है, शेप रहता है आपका, राइट, बॉडी में इस तरह का इसका शेप रहता है। तो देखिए इसका बॉडी अगर आप इस तरह से सीधा कट कर देंगे तो एक हिस्से में ज़्यादा आ जाएगा, एक हिस्से में क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। तो ये क्या है, एसिमेट्री शो कर रहा है। ये कौन है, पाइला,
कौन है बताइए, पाइला। ठीक, तो ये बात याद रखना कि मोस्ट ऑफ देम मैक्सिमम जो लोग है मतलब मोलस्का का, तो वो क्या करेगा, कौन सा सिमेट्री शो करेगा, बाइलेटरल सिमेट्री। मतलब इसका सेंट्रल एक्सिस बराबर अगर कट कर देंगे तो दो कंप्लीट मिरर इमेज में ये बढ़ जाएगा। पर ये जो एसिमेट्रिक एनिमल पाइला, ये क्या है, टॉर्शन के वजह से, मतलब ये इसका डेवलपमेंट के दौरान ये टॉर्शन करता है, घूमता है, ठीक है, टेढ़ा होता है, इसके वजह से इसका सिमेट्री क्या होता है, एसिमेट्रिक। ये बात याद रखना, राइट बच्चों। और एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, इसके बारे में बताना चाहूँगा। ठीक, मानिए ये कौन है, वही पाइला मैंने ड्रॉ करा जस्ट सिंप्लीफाइड वे में। ठीक, और इसके नीचे इसका मेंटल कैविटी रहेगा और उसके नीचे उसका बॉडी का जो लेयर रहेगा वो रहेगा। अब देखिए इसका बॉडी को आप अगर देखेंगे तो इसमें क्या रहता है, सिंगल लेयर एपिडर्मिस। जैसे कि इसका बॉडी को अगर हम कट करके देखेंगे तो क्या रहता है, इसमें रहता है सिंगल लेयर एपिडर्मिस, एक ही लेयर एपिडर्मल सेल रहेगा। और ये एपिडर्मल सेल में क्या रहेगा, सिलिया, क्या रहेगा बच्चों, इस तरह से एपिडर्मल सेल में सिलिया पाया जाएगा। तो ये बात याद रखना कि दे हैव सिंगल लेयर एपिडर्मिस एंड यूजुअली दिस एपिडर्मिस इज सिलिएटेड, राइट। और दूसरा बात यहाँ पर, और एक बात आपको बताना चाहेंगे कि देयर मसल इज अनस्ट्रिप्ड, मीन देयर मसल इज स्मूथ मसल। इसका मतलब क्या है, स्मूथ मसल का ज़्यादा एक्टिविटी होता नहीं, आप जानते हैं, तो इसका जो मूवमेंट है क्या रहा, कैसा रहेगा, मूवमेंट ऑफ देम आर स्लैगिश, मतलब ये बहुत धीरे 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 आगे बढ़ेगा, राइट। तो ये आप जान चुके हैं, राइट बच्चों। और नेक्स्ट जो कैरेक्टर लेके आए आपके लिए, दे आर ऑब्वियसली ट्रू सिलोमेट बट सिलोम इज ग्रेटली रिड्यूस ओनली दिस सिलोमिक कैविटी इज रेस्ट्रिक्टेड अराउंड द विसरल ऑर्गन लाइक हार्ट, उसके बाद हो गया किडनी, उसके बाद हो गया आपका गोनाड। ठीक, गोनाड में क्या है, जैसे कि मेल में टेस्टिस रहेगा, टेस्टिस के अराउंड रहेगा, उसके बाद फीमेल में क्या रहेगा, ओवरी के अराउंड क्या रहेगा, जो सिलोम ग्रेटली रिड्यूस सिलोम क्या रहेगा, इस इंटरनल जो सॉफ्ट ऑर्गन है इसके आजू बाजू में ही क्या रहेगा, रेस्ट्रिक्टेड रहने वाला, राइट। और ये याद रखना कि ये ट्रू सिलोमेट। अब देखिए बॉडी कैविटी जो है, मतलब सिलोमिक कैविटी जो है, ये क्या रहेगा, फील्ड रहेगा एक फ्लूइड से जिसको हम बोलेंगे हीमोलिम्फ। ठीक, तो ये बात थोड़ा सा डिटेल्स में बताता कि बॉडी कैविटी इज फील्ड विथ हीमोसिल, बॉडी कैविटी इज फील्ड विथ, नॉट हीमोसिल बच्चों, बॉडी कैविटी इज फील्ड विथ हीमोलिम्फ, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे, बॉडी कैविटी इज कॉल्ड, बॉडी कैविटी इज कॉल्ड व्हाट, हीमोसिल। ठीक, यहाँ पर याद रखना ये हीमोसिल जो है ये बॉडी का कैविटी, मतलब इसका बॉडी के अंदर जो कैविटी मिलेगा उसको हीमोसिल बोलेंगे, और हीमोसिल के अंदर एक फ्लूइड रहेगा। ठीक, जो फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, हीमोलिम्फ। ठीक, तो ये जो हीमोलिम्फ है ये क्या होता है, इट इज द ब्लड ऑफ मोलस्कन। ठीक, और ये जो लिम्फ है इसका कलर कैसा रहता है, इसका कलर रहता है ब्लूइश। कैसा कलर रहता है बच्चों, इसका कलर रहता है ब्लू। क्यों ब्लू कलर क्यों रहता है, क्योंकि ये जो हीमोलिम्फ है इसमें एक स्पेशलाइज पिगमेंट मिलता है जिसका नाम हीमोसायनिन। ठीक, और हीमोसायनिन ब्लू क्यों होता है, क्योंकि इसके पास एक मेटालिक आयन होता है जिसका नाम कॉपर, Cu+2। ठीक, कॉपर आयन होता है। ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया कि हीमोसायनिन कंटेन व्हिच मेटालिक आयन,
तो आपको क्या बताना है कि इट कॉन्टेंट कॉपर प्लस टू आयन, और ये कॉपर प्लस टू आयन हीमोसायनिन में प्रेजेंट होने के वजह से क्या होता है, हीमोलिम्फ का जो कलर वो कैसा होता है, ब्लू कलर का हो जाता है। बात यहाँ तक समझ में आया बच्चों आपको? अब देखिए नेक्स्ट जो है, इसका जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम, ये क्या होता है, ओपन टाइप ब्लड वास्कुलर सिस्टम। ओपन टाइप ब्लड वास्कुलर सिस्टम क्या होता है, ओपन टाइप, पर एक्सेप्ट एक एनिमल, सिवाय एक एनिमल को छोड़ के बाकी सारा जो मोलस्कन है उसका क्या होता है, ओपन टाइप ब्लड वास्कुलर सिस्टम मिलता है। और वो जो एनिमल है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहां पर लिख देता हूं, उसका नाम क्या है, कटल फिश। कटल फिश इज द ओनली मोलस्का हु हैव क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम, राइट, ये याद रखना। अब यहां पर आपको कटल फिश का डायग्राम भी बता के देता हूं कि आपको ये बाद में भूल ना जाए, ये आपको याद रहे, राइट। इस तरह से मैं सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाने का कोशिश करूंगा आपके लिए, राइट। देखिए ये जो है नियर अबाउट किसके जैसा दिखता है बताओ, आपको थोड़ी देर पहले बताया था एक एनिमल के बारे में, कौन था वो बताइए, इस तरह का इसका बॉडी में क्या रहता है, एट आर्म रहता है, ओवरऑल आर्म रहता है इस तरह का, और यहाँ पर उसका एक टेंटाकेल्स भी रहता है, राइट, इस तरह से जस्ट, और टेंटाकेल के ऊपर क्या रहता है, इस तरह का साकर, और इस साकर के सहारे में क्या करता है, किसी के ऊपर ये चिपकता है या किसी को कोई प्रे को ये क्या करता है, पकड़ भी लेता है, राइट। ये क्या है बताइए, इसका नाम है कैटल फिश, और इसका बॉडी के जो ये माउथ है, माउथ के सराउंडिंग में क्या रहेगा बताइए, ये रहेगा ओरल क्या है, आर्म, इसको बोलेंगे ओरल, ओरल आर्म, और ये क्या रहेगा, ये रहेगा टेंटाकेल, टेंटाकेल, और टेंटाकेल के ऊपर ये जो गोल गोल है इसको क्या बोलेंगे, सकर, जिससे वो क्या करेगा, किसी के साथ अटैच होगा या प्रे को क्या करेगा, कैप्चर करेगा। ये रहेगा साइड का इसका लेटरल फिन, तो इस तरह का रहता है, इसमें क्या होता है, क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम देखने को मिल जाता है। बात समझ में आया बच्चों? ये जो मोलस्कन है बच्चों, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मोलस्कन इज कॉम्प्लीट, कॉम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट्स मीन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड विथ एनस, राइट, याद रखना। अब इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ। देखिए इसका रेस्पिरेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन जैसे कि ये पानी में भी रहता है आप जान चुके हैं, और डैम्प सॉइल में भी रहता है, तो रेस्पिरेशन जो पानी में रहने वाला एनिमल होगा ऑब्वियसली उसका रेस्पिरेशन किससे होगा बताइए, बाय द हेल्प ऑफ गिल, किससे होगा बताइए, गिल या तो टेनिडिया, CTENI, टेनिडा, राइट, टेनिडा, राइट, गिल से होगा एक्वेटिक एनिमल का रेस्पिरेशन, या तो टेनिडा से होगा। दूसरा इसके साथ और भी क्या होता है बताइए, होता है आपका जैसे कि मेंटल, जो मैंने बताया था आपको, मेंटल क्या करता है, शेल को सेक्रेट करता है, मेंटल भी कभी कभी क्या करता है, रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करता है, मेंटल, मेंटल एज वेल एज पल्मोनरी सैक, पल्मोनरी सैक, यहाँ पर पल्मो वर्ड जो आया या कहाँ से आया, लंग से आया, एसोसिएटेड टू लंग, ठीक है, तो यहाँ पर प्योर लंग तो नहीं रहेगा टेरेस्ट्रियल जो मोलस्कन है, पर यहाँ पर सैक लाइक स्ट्रक्चर रहेगा जो लंग जैसा क्या करेगा, फंक्शन करेगा। बात समझ में आया बच्चों? अब देखेंगे इसका एक्सक्रिएशन के वजह से, किसके बताइए, एक्सक्रिएशन का जो मोड है वो देखेंगे, एक्सक्रिएशन, ठीक। तो देखिए बच्चों एक्सक्रिएशन जो है ये मेनली क्या रहता है, एमोनोटेलिक, मेन जो इसका प्रिंसिपल जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट वो क्या है, एमोनिया है, NH3। तो जो एमोनिया एक्सक्रीट करते हैं आप अच्छे से जानते हैं कि उस तरह का एनिमल को क्या बोलते हैं, एमोनोटेलिक एनिमल, राइट। और यहाँ पर क्या होता है, एक्सक्रीशन करने के लिए सैक लाइक किडनी होता है, सैक
लाइक किडनी, ठीक। किडनी प्रॉपर तो नहीं है पर सैक लाइक किडनी होता है, जिसको और भी एक नाम से जाना जाता है, जो बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, कि उसको बोलते ऑर्गेन ऑफ बुजानस। बच्चों याद रखना, ऑर्गेन ऑफ बुजानस, ठीक। ये जो सैक लाइक किडनी ऑफ मोलस्क, इसको क्या बोला जाता है, ऑर्गेन ऑफ बुजानस, जो क्या करता है, कौन सा काम के लिए रिस्पॉन्सिबल, एक्सक्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, ये आपको बार बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वो अलर्ट रहना बच्चों। दूसरा, इसका और भी एक्सक्रिएशन के लिए कौन हेल्प करता है बताओ, गिल ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रिएशन, गिल ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रिएशन। और एक ऑर्गेन होता है जो रेयरली पूछा जाता है, पर एग्जाम के लिए रेडी रहना, क्योंकि इस साल नीट के अंदर क्या शामिल हो गया बताओ, एम्स और जिपमर भी शामिल हो गया, तो कोई भी कसर आप ना छोड़े, मेरे सजेशन मानिए कि इसको क्या बोलते हैं, केवर्ट्स ऑर्गेन, केवर्ट्स ऑर्गेन। ये जस्ट कुछ ही मोलस्कन में पाए जाते, सम मोलस्कन, सम मोलस्कन, ठीक। केवर्ट्स ऑर्गन याद रखना, और पार्टिकुलरली सबसे ज्यादा फोकस किस में रखना, कि ऑर्गन ऑफ बुजानस, राइट। अब देखिए, अब और एक इंटरेस्टिंग बात को जानेंगे, इसका जो नर्वस सिस्टम, ठीक, ये कैसा रहता है बताइए। नर्वस सिस्टम हैव पेयर्ड गैंग्लिया, बताओ बच्चों क्या बताया, नर्वस सिस्टम हैव पेयर्ड गैंग्लिया, राइट। ये बात यहाँ पर फोकस करना कि गैंग्लिया, लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था कि गैंग्लिया किसको बोलते हैं, कि बहुत सारा नर्व जो है वो इकट्ठा होके क्या हो जाता है, मतलब बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, तो उसको क्या बोलेंगे, गैंग्लिया बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर गैंग्लिया है तो है, कितना गैंग्लिया है, देखिए यहाँ पर मैं एक एक करके आपको मेंशन कराता हूँ कितना गैंग्लिया यहाँ पर मिलेगा, और उसका थोड़ा बहुत पोजीशन भी मैं दिखा दूंगा। एक तो है क्या मिलेगा, पेयर्ड सेरिब्रल गैंग्लिया, क्या मिलेगा बच्चों, सेरिब्रल गैंग्लिया, ठीक, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, सी जी, सेरिब्रल गैंग्लिया, ये आप याद रखना, थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। दूसरा और एक गैंग्लिया रहेगा, ये भी प्यार है, जोड़े में रहेगा। दूसरा क्या रहता है, प्लूरल गैंग्लिया, PLEURAL, प्लूरल गैंग्लिया, ठीक। तो प्लूरल गैंग्लिया को हम PG से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक रहेगा कौन सा, पेडल गैंग्लिया, तो पेडल गैंग्लिया को हम PEG से रिप्रेजेंट करेंगे, पेडल गैंग्लिया, ठीक। इसके साथ साथ और दो गैंग्लिया यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसको, चलो एक गैंग्लिया के बारे में तो एटलीस्ट आपको पता होना ही चाहिए, और क्या होता है, विसेरल गैंग्लिया। तो विसेरल गैंग्लिया को ऑब्वियसली हम PG से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए ये जो गैंग्लिया बताया ये क्या है, मैं यहाँ पर सिंप्लीफाइड वे में आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए मानिए कि ये जो पार्ट है ये एक मोलस्कन का बॉडी का मतलब जस्ट पार्ट है, ठीक। यहाँ पर ये इसका ओरल साइड है, तो ओरल साइड से इसको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक गैंग्लिया मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे, ये नर्वस सिस्टम दिखा रहा है बच्चों, बॉडी के अंदर कट करके हमने ये नर्वस सिस्टम के बारे में जाना, ठीक। तो ये जो ऊपर वाला जो गैंग्लिया यहाँ पर, ये जो बॉल शेपेड नर्व जो बॉल शेपेड बन गया, इसको हम बोलेंगे कौन सा, बकल गैंग्लिया, बकल BUCCAL, बकल गैंग्लिया, ठीक। और बकल गैंग्लिया के नीचे ये जो और एक बॉल बनाया है यहाँ पर मैंने, ये जो और एक बॉल बनाया, ये भी गैंग्लिया ही है, ये जो गैंग्लिया है इसको हम बोल देंगे सेरिब्रल गैंग्लिया। यहाँ पर इसलिए मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म सिखाया था, क्योंकि यहाँ पर मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ, ये सेरिब्रल गैंग्लिया, तो सेरिब्रल गैंग्लिया को मैंने क्या लिख दिया, CG लिख दिया। अब देखिए दूसरा बात, उसके नीचे और एक गैंग्लिया रहेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे बताइए, आप थोड़ा सा मतलब गेज कीजिए, यहाँ पर देखिए PG लिख दिया, PG स्टैंड फॉर ऑट, प्लूरल गैंग्लिया, राइट, प्लूरल गैंग्लिया। और प्लूरल गैंग्लिया के बाद और एक गैंग्लिया रहेगा, जिसको बोलेंगे पेडल गैंग्लिया, क्या बोलेंगे बच्चों, इसके नीचे और एक गैंग्लिया रहेगा, जिसको बोलेंगे हम पेडल
गैंग्लिया, राइट। तो पेडल गैंग्लिया ये तो ठीक हो गया, ये जो तीन गैंग्लिया एक्चुअली कौन, नंबर वन कौन हो गया यहाँ पर सेरिब्रल गैंग्लिया नंबर वन, दूसरा हो गया कौन सा बताइए यहाँ पर प्लूरल गैंग्लिया ये नंबर टू, और तीसरा हो गया कौन सा आपका पेडल गैंग्लिया, ये जो तीन है ये मिलके क्या बनाता है, इसका हेड बनाता है, हेड पोर्शन बनाता है, ये बात याद रखना। और नीचे इसका माइग्रेट करके अंदर हेड के बाद ये अंदर माइग्रेट करके आ जाता है और यहाँ पर फिर से क्या बना लेता है, गैंग्लिया बना लेता है, ठीक। तो इसको बोलेंगे, ये बॉडी के अंदर रहता है इसलिए इसको बोलेंगे विसेरल गैंग्लिया। बात समझ में आया बच्चों, ये सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको रिप्रेजेंट कराया, ठीक। नेक्स्ट इज सेंस ऑर्गेन, सेंस ऑर्गेन ऑफ मोलस्कन, ठीक। तो बच्चों देखिए मोलस्कन में कुछ जो सेंस ऑर्गेन पाए जाते हैं जो हम एक एक करके देखने वाले हैं। देखिए एक तो यहाँ पर मैंने पहली बार जब स्लाइड सबसे पहली स्लाइड बनाया था तभी बताया था कि आई रहता है, ई वाई ई आई रहता है, तो आई क्या होता है इसका एक सेंस ऑर्गन होता है, एंड आई आर प्रेजेंट, आई आर प्रेजेंट ओवर 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 स्टॉक, STALK ओवर स्टॉक कॉल्ड, एक स्टॉक के ऊपर आई प्रेजेंट रहता है, ये भी आपको पता चलेगा मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा, कॉल्ड ओमाटोफोर, क्या बोलेंगे इसको बच्चों, आई जो स्टॉक के ऊपर प्रेजेंट रहेगा उसको बोलेंगे ओमाटोफोर, ठीक। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके बता के ही देता हूँ, ये मानिए कि क्या है, ये एक मोलस्कन है और एक क्या है उसका मस्कुलर फुट, ठीक। यहाँ पर उसका हेड रहेगा और हेड के पास यहाँ पर उसका रेडुला रहेगा, ठीक। और ये हेड से क्या होता है, इसका आई निकलता है, मैंने ये भी आपको देखा था, ये आई निकलता है, राइट। तो ये देखिए आई, ये तो हो गया आई, जो आई को मैंने क्या बोला, आई को क्या बोला सेंस ऑर्गन, और ये आई देखिए एक स्टॉक लाइक मतलब स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट है, ये स्टॉक जैसा दिख रहा है, या और ये स्टॉक को हम क्या बोलेंगे बताइए, इसको बोलेंगे ओमाटोफोर। बच्चों बात को ध्यान से गंभीरता से समझना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो ये बात बड़ा शांति से याद रखना। दूसरा यहाँ पर जो मोलस्कन है इसमें स्टेटोसिस्ट बोल के एक ऑर्गन रहता है, स्टेटोसिस्ट, ठीक। ये जो स्टेटोसिस्ट एक किसके लिए, बैलेंस के लिए रहता है, बैलेंस को मेंटेन करता है, ये भी एक सेंस ऑर्गन है। और एक सेंस ऑर्गन यहाँ पर पाए जाते हैं जिसको बोलेंगे ऑस्फ्राडियम, क्या बोलेंगे बच्चों, ऑस्फ्रा डी आई यू एम ऑस्फ्राडियम। देखिए ये ऑस्फ्राडियम किस काम में आते हैं कि मोलस्कन जो है मैक्सिमम मोलस्कन कहाँ पर, पानी में रहता है, तो पानी का केमिकल नेचर एंड फिजिकल नेचर जज करना मोलस्कन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पानी अगर पता चले कि जहरीला हुआ तो क्या करेंगे, तो मर जाएंगे, तो उस तरह से उसको सेव रहना है। तो ये जो ऑस्फ्राडियम इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जजमेंट ऑफ केमिकल एंड फिजिकल नेचर ऑफ वाटर, ठीक। फिजिकल एंड केमिकल नेचर को क्या करेंगे, जो वाटर का फिजिकल एंड केमिकल नेचर वो क्या करेंगे, ऑस्फ्राडियम के थ्रू क्या करेंगे, मोलस्कन जज करेंगे, राइट। सेक्सेस ऑफ देम आर, सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर व्हाट बच्चों, सेक्सेस ऑफ मोलस्कन आर सेपरेट, सेपरेट, बट सम ऑफ देम आर हर्माफ्रोडाइट, हर्मा PH, PHR, FRO, DIT, हर्माफ्रोडाइट, ठीक। और जिसका सेक्सेस सेपरेट रहता है उसको आप जानते हैं कि उसको क्या बोलते हैं, डायोसियस, DIOECIOUS, डायोसियस। और जिसका सेक्स यूनाइटेड रहता है मतलब एक ही बॉडी में मेल एंड फीमेल दोनों को पाए जाते हैं उसको बोलते हैं मोनोसियस,
मोनोसियस, ये बात याद रख देना। काफ़ी बार मैंने ये बात तरह तरह से आपको डिस्कस कर चुका हूँ। दूसरा, इस ये जो एनिमल होता है ये होता है ओवीपेरास। क्या होता है बच्चों? ओवीपेरास। ये टॉपिक के सबसे पहला लेक्चर में मैं बताया था कुछ टर्मिनोलॉजी, जिसमें मैंने बताया था ओवीपेरास मतलब क्या होता है। दे आर एग लेइंग एनिमल, ठीक। हमेशा ये अंडा देगा। और इसका जो डेवलपमेंट, ये क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ देम आर, डेवलपमेंट जो है ये क्या होता है, डायरेक्ट भी हो सकता है। दैट्स मीन एडल्ट एंड बेबी आर रिजेंबल टू ईच अदर, राइट। और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट का जो डेवलपमेंट होगा उसको क्या करेगा, मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट बनना पड़ेगा, ठीक। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या दिखाई पड़ता है, लार्वा दिखाई पड़ता है। और ये क्या करता है, मेटामॉर्फोसिस, ठीक। और यहाँ पर आपको जानना चाहिए कि कौन सा लार्वा यहाँ पर मोलस्कन में पाए जाते हैं जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है। जैसे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ लार्वा है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया और आगे भी पूछते जाएगा। एक होता है वेलिजर लार्वा। और ये जो वेलिजर लार्वा होता है, ये होता है मैराइन स्नेल का लार्वा, ठीक, वेलिजर लार्वा। दूसरा एक हो गया ट्रोकोफोर लार्वा। दूसरा कौन सा हो गया, ट्रोकोफोर, TROCHOPHORE, ट्रोकोफोर लार्वा। और एक यहाँ पर सिमिलरली बता देता हूँ जिसका नाम क्या हो गया बताइए, ग्लॉचिडियम लार्वा, ठीक। ये तीन लार्वा, क्योंकि लार्वा कहाँ पर दिखेगा, ऑब्वियसली जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है वही लार्वल फॉर्म को दिखाएगा। बात समझ में आया यहाँ तक बच्चों? एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट मोलस्कन, दे ओनली एग्जिबिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली बाय द मीन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअली, ओनली रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअली ओनली, नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन मोलस्कन। बच्चों अब लास्ट पार्ट में आ गया लेक्चर का, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन का। तो उससे पहले क्या करेंगे, फाइलम मोलस्क का कुछ यूनिक फीचर होता है, जैसे कि नंबर वन क्या होता है, मेंटल कवर द बॉडी। मेंटल के बारे में मैंने काफ़ी समय दिया आपको कि मेंटल जो है ये क्या करता है, बॉडी को कवर करके रखता है, ये एक खास फीचर है। दूसरा क्या है, मेंटल में सराउंडेड बाई शेल और मे नॉट बी, शेल से कवर भी रह सकता है और शेल एक इंटरनल भी रह सकता है। एंड नर्वस सिस्टम ऑफ मोलस्कन आर गैंग्लियोनेटेड, रिमेंबर यू, गैंग्लियोनेटेड नर्वस सिस्टम की सेरिब्रल गैंग्लिया रहता है, विसरल गैंग्लिया रहता है, हाँ पेडल गैंग्लिया रहता है, राइट। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फीचर याद रखना, क्योंकि ये दूसरा कोई एनिमल में नहीं दिखता और ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन, ठीक। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है ये उतना ज़्यादा बड़ा नहीं, बट द फाइलम मोलस्का आर डिवाइडेड इनटू सिक्स क्लास, ठीक। तो ये एक एक करके यहाँ पर मैं चर्चा करते जाता हूँ और इसका एग्जांपल बड़ा शांति से और बड़ा ध्यान से आप याद रखते जाओ। पहला जो क्लास है उसका नाम है मोनो प्लाकोफोरा, ठीक, मोनोप्लाकोफोरा। दूसरा जो एग्जाम्पल है उसका नाम क्या है आपका, उसका नाम एम्फीन्यूरा। तीसरा जो मैं बता देता हूँ, बाद में आपको डिटेल्स में चर्चा करता हूँ, ठीक। दूसरा बात यहाँ पर अगर तीसरा जो क्लास है उसका नाम है स्कैफोफोडा, SCAPHOPODA, ठीक। चार नंबर का जो क्लास है वो है आपका गैस्ट्रोपोडा, राइट। तो पहले से एक बार बताइए, ये जो मैंने चार क्लास ऑलरेडी बताया,
इसका नाम एक बार प्रोनाउंस कीजिए, एक तो मोनोप्लैकोफोरा, दूसरा है एम्फीन्यूरा, तीसरा है स्कैफोपोडा, चौथा है गैस्ट्रोपोडा, और जो फिफ्थ नंबर का क्लास है इसका नाम बाइवेल्विया, बाइवेल्विया, एंड मोस्ट लास्ट वन इज सेफालोपोडा, CEPHALOPODA, सेफालोपोडा, राइट। अब देखिए इसका कमाल, इसका ऐसा ऐसा नाम क्यों हुआ और इसमें कौन सा एनिमल मिलता है। मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ही आपके लिए छोड़ के जाऊंगा, और एक दो एग्जाम्पल जो भी बता रहा हूँ ये आप हर हाल में किसी भी हाल में याद आपको रखना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए मोनो मतलब क्या होता है, यहाँ पर मोनोप्लैकोफोरा डिस्कस करेंगे। मोनो मतलब वन, मोनो मीन वन, और प्लेक्स इक्वल टू प्लेट, मतलब इसका जो बॉडी है ये क्या रहेगा, सिर्फ एक स्पून लाइक प्लेट से क्या रहेगा, कवर रहेगा, ठीक। और इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, इसका एग्जाम्पल हो गया नियोप्लिना। मैंने ये एग्जाम्पल बड़ा फुर्ती के साथ आपको याद रखने के लिए बोला था, क्योंकि ये क्या होता है, लिविंग फॉसिल होता है, मैंने आपको बताया था, क्या है ये, नियोप्लिना, ठीक। और नियोप्लिना के बारे में मैंने क्या बताया, इट इज लिविंग फॉसिल, राइट। अब देखिए ये जो नियोप्लिना ये कैसा किस तरह का होता है, मैं यहाँ पर आपको वो मौका भी देता हूँ कि ये कैसा दिखता है ये भी आपको पता चले। अब देखिए यहाँ पर ये जो है, मैं थोड़ा सा ड्रॉ करने का कोशिश करता, ठीक, एग्जैक्टली इस तरह का नहीं रहता, ठीक, तो मैं फिर भी बनाने का कोशिश करता आपके लिए थोड़ा सा इसको बनाने का भी कोशिश कर देता है। इसलिए इस तरह का इसका बॉडी रहता है, ये शेल है उसका, देखिए स्पून शेपेड, ऐसा ऊंचा स्पून शेपेड, और इसके नीचे इसका क्या रहता है, फ्लेशी बॉडी पार्ट रहता है। ये देखिए इसका नाम क्या है, नियोप्लिना। और रिमेंबर बच्चों, ये नियोप्लिना जो है ये इसके बारे में क्या बताया था, ओनली सेगमेंटेड मोलस्क, ये भी याद रखिए आप। दूसरा इसका दूसरा क्लास जो है इसका नाम क्या है, एम्फीन्यूरा, राइट। और एम्फीन्यूरा का एक एग्जांपल यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा, जिसका नाम है चाइटन या काइटन, जैसे भी आप याद रखना चाहेंगे, CHITON, चिटोन या काइटन या चाइटन, ठीक, इस तरह से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब देखिए चाइटन जो है ये भी कैसा रहता है, इसका भी एनिमल मैं ड्रॉ करना चाहूँगा आपके लिए, आपको आपके फ़ायदा के लिए, इस तरह का रहता है, और इसके साइड में कुछ फ्लेशी फोल्ड भी रहता है, इस तरह का कुछ फ्लेशी फोल्ड रहता है। और इसको पहचानने का एक तरीका है जो मैं बता देने वाला हूँ अभी आपको, इसको पहचानने के एक तरीका है जो कैसा है, इसका बॉडी में एट क्या मिलेगा, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 क्या मिलेगा, इसका बॉडी में प्लेट मिलेगा, राइट। और इसके नीचे क्या रहेगा, इसका बॉडी के नीचे 17 टीथ रहेगा, TEETH, 17 टीथ रहेगा, डिफरेंट रो में 17 टीथ रहेगा, एंड दिस टीथ इज कोटेड विथ मैग्नेटाइट। ये जो टीथ है, हर एक टीथ किससे कोटेड रहेगा, मैग्नेटाइट से, ये याद रखना, मैग्नेटाइट से इसका हर एक टीथ क्या रहेगा, कोटेड रहेगा। और ये जो एनिमल है इसका नाम क्या है, चाइटन, राइट। दूसरा यहाँ पर देखिए स्कैफोपोडा। अब स्कैफोपोडा का एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है डेंटालियम, बड़ा फुर्ती से याद रखना, ये काफ़ी बार पूछा गया है, डेंटालियम, ठीक। और डेंटालियम को कॉमनली क्या बोलते हैं, टास्क शेल, TUSK, टास्क शेल, ठीक, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया बच्चों, ये बड़ा फुर्ती के साथ याद रखना। एंड नेक्स्ट जो है ये क्या है, गैस्ट्रोपोडा। तो बच्चों गैस्ट्रो एसोसिएटेड टू स्टमक या बेली, और पोडा इक्वल टू आप जानते हैं कि फुट या मतलब लेग, ठीक। तो जो इसका बेली है ये एसोसिएट कैसे रहेगा, इसका लोकोमोशन के साथ, इसका मतलब जो मोशन इसके साथ एसोसिएटेड रहेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोपोडा। और गैस्ट्रोपोडा का जो एग्जांपल है यहाँ पर कुछ एग्जांपल बताना चाहेंगे आपको, जैसे कि एप्लाइसिया, APLYSIA, एप्लाइसिया एक हो गया, और एप्लाइसिया को कॉमनली क्या बोलते हैं, सी हेयर, समुंदर का खरगोश, ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। दूसरा और एक एग्जांपल बताएंगे जिसका नाम डोरिस, डोरिस
ठीक। डोरिस को बोलेंगे सी लेमन, सी लेमन, समुंदर का नींबू, ठीक। दूसरा जो है पॉन्ड स्नेल हो गया, पॉन्ड स्नेल। उसके बाद और भी बताना चाहेंगे आपको पॉन्ड स्नेल के अलावा कौन सा, जैसे कि सी बटरफ्लाई, क्रेसिस, ठीक, सी आर ई ए सी आई एस, क्रेसिस। क्रेसिस को क्या बोलेंगे, सी बटरफ्लाई, सी बटरफ्लाई। तो ऑब्वियसली बच्चों ये कैसे भी कोई भी हाल में आप ये एग्जांपल याद ही रखना। अब देखिए दूसरा हम अभी चर्चा करेंगे किसके बारे में, बाइवेल्विया, क्लास बाइवेल्विया, राइट। तो बच्चों बाइवेल्विया में एग्जांपल लेते हैं, बाइवेल्विया का एग्जांपल क्या है, बाइवेल्व, बाई मतलब क्या होता है टू, और वाल्व मतलब वाल्व होता है, मतलब दो शेल रहेगा इसके पास, राइट। तो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल है माइटिलस, क्या होता है बच्चों इसका एग्जांपल माइटिलस, और माइटिलस को कॉमनली क्या बोलते हैं, सी मसल, सी मसल, ये याद रखना बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक एग्जाम्पल यहाँ पर बताना चाहेंगे जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है, आगे भी पूछते जाएंगे, इसका नाम है पिंग टडा, पी आई एन सी, पिंग टडा, टी ए डी ए। आप जानते नहीं इसका एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, क्योंकि ये जो पिंग टडा है ये क्या करता है, पार्ल प्रोडक्शन करता है, मोती, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, पार्ल ओएस्टर, P-E-A-R-L, पार्ल O-Y-S-T-E-R, ठीक, पार्ल ओएस्टर बोला जाता है पिंग टडा को, क्योंकि ये क्या प्रोडक्शन करता है, पार्ल प्रोडक्शन करता है। और ये भी बात आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा पार्ल प्रोडक्शन करता है, वो होता है जापान, जापान जो है पार्ल प्रोडक्शन में माहिर होता है, ठीक। और लास्ट क्लास इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, सेफालोपोडा, सेफाल मतलब हेड होता है, और पोडा मतलब क्या होता है, लेग, ठीक, मतलब हेड इज एसोसिएटेड टू लोकोमोशन ऑफ दिस टाइप ऑफ एनिमल। अब यहाँ पर हम एक एक करके इसका एग्जांपल लेंगे, एक तो हो गया लोलीगो, लोलीगो, ठीक, इसके बारे में पहले भी मैंने दो चार बातें बता दिया बच्चों। लोलीगो को कॉमनली क्या बोलेंगे, इसको बोला जाएगा स्क्विड, क्या बोला जाएगा, एस क्यू यू आई डी, स्क्विड। और इसका दो खास कैरेक्टर मैंने आपके साथ चर्चा किया था, इट इज़ दिस लोलीगो इज लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट में पाए जाने वाले एनिमल में से सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट जो है वो क्या है, लोलीगो, इसको इसलिए जाइंट स्क्विड भी बोला जाता है, ठीक, तो याद रखना। और दूसरा लोलीगो में क्या मिलेगा, सबसे बिगेस्ट आई, सबसे बड़ा आई कहाँ पर मिलते जाएगा बताइए, लोलीगो में मिलेगा, जस्ट इस तरह का आई नहीं होता, मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट और एक एग्जांपल यहाँ पर बताना चाहेंगे आपके लिए, जिसका नाम क्या है, सेपिया, क्या बोलेंगे बच्चों, सेपिया, ठीक, ये एग्जाम्पल भी एग्जाम में पूछा जाता है। सेपिया जो है इसको क्या बोला जाता है, कैटल फिश, सी यू टी टी एल ई, कैटल फिश, पर फिश देख के कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि ये एक्चुअली कोई फिश विश है नहीं, ठीक। तो ये है मोलस्कन, सेफिया को क्या बोला जाता है, कैटल फिश भी बोला जाता है। और एक एग्जांपल यहाँ पर बताना चाहेंगे, जिसका नाम है द चैम्पियन ऑन, रियली चैम्पियन ऑन, जिसका नाम है ऑक्टोपास, ऑक्टोपास। और ऑक्टोपास को कॉमनली क्या बोला जाता है बच्चों, डेविल फिश, डेविल फिश, ठीक, ये रियली क्या रहता है बताइए, ये डेविल जैसा ही रहता है, ठीक, ये रियली क्या रहता है बताइए, डेविल जैसा ही रहता है, राइट, ऐसे आ, आ, जस्ट, ठीक, ऐसा डेविल फिश। अब देखिए यहाँ पर ये डेविल फिश के बारे में और एक बात बताना चाहेंगे, कि इसका जो मैंने बताया कि ये चैम्पियन है बड़ा, ठीक, चैम्पियन इसलिए बताया कि दिस ऑक्टोपस इज मोस्ट इंटेलिजेंट इनवर्टिब्रेट, मोस्ट इंटेली टी एल ई जी ई एन टी, मोस्ट इंटेलिजेंट इनवर्टिब्रेट, इन वर्टिब्रेट, ये ह्यूमन का बनाया हुआ चीजों को भी क्या करता है, इस्तेमाल करता है, ठीक, सबसे ज्यादा इनवर्टिब्रेट में से ये ही क्या होता है, चालाक होता है, बुद्धिमान होता है। अब देखिए यहां पर मैं आपको ऑक्टोपस का डायग्राम बताना चाहूँगा, राइट, ये जो है ये ऑक्टोपस का डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको,
ये, और ये ऑक्टोपस में क्या रहता है बताइए बच्चों, इसका ऐसा 8 आर्म रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह का 8 आर्म इसका रहता है। और हर एक आर्म में, मैं एक आर्म थोड़ा सा ढंग से क्या करता हूँ यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आए, ठीक। जैसे कि यहाँ पर माने कि ये आर्म के ऊपर क्या होता है बताइए, इस तरह का सकर होता है, इस तरह का आर्म के ऊपर सकर होता है। मैं एक ही रो दिखा रहा हूँ पर सेवरल रो रहता है, ये आर्म है। तो इसको जब भूख लगता है तो क्या करता है ये आर्म, कोई प्रे के ऊपर क्या करता है ये जकड़ लेता है, ठीक। कोई भी प्रे, इसको जस्ट मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूँ, ये इसका प्रे नहीं भी हो सकता है, इसके ऊपर क्या करता है ये जो आर्म है ये इसको जकड़ लेता है, ठीक है। तो ये जो आर्म के ऊपर है जो सकर दिख रहा है ये इसको चिपक जाता है, चिपक जाता है। और यहाँ पर इसका माउथ रहता है, ये क्या करता है आराम से इसको इंजेस्ट कर लेता है, ठीक। तो इसके बारे में याद रखना बच्चों कि ये मोस्ट इंटेलिजेंट इन्वर्टिब्रेट, और इसको बोला जाता है डेविल फिश। क्या बोला जाता है बच्चों? डेविल फिश, राइट। दैट्स ऑल अबाउट फाइलम मोलस्का। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।